हेलो दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया एक संख्या का 4/5 था, उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। तो इसने बोला है एक्स का 4/5। हम मान लेते हैं वह संख्या क्या है, एक्स है। तो एक्स का 4/5 उसी संख्या के 2/3 से 10 अधिक है, यानी कि अंतर दिया दोस्तों, मान माइनस करेंगे तो इसने कहा उसी संख्या से, यानी कि एक्स का 2/3। 2/3 कितना होता है, 2/3 इक्वल में हमें 10 दिया है दोस्तों। इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 4x/5 माइनस में 2x/3 इक्वल में क्या आया है, 10। तो अब हम इसको एलसीएम के माध्यम से सोल्व करेंगे। 5 और 3 का एलसीएम कितना है हमारे पास, 15 आया दोस्तों। तो 15 एलसीएम आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो यहाँ पर कितना आया, 4×3 12x माइनस 5×2 10x, तो इक्वल में हमारे पास 10 दिया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस 15 की मल्टीप्लाई इस साइड में करेंगे तो 15×2 कितना हो जाएगा, 150। तो इस साइड हमारे पास क्या बचा, 12 − 10 यानी कि 2x। यहाँ से x के मान निकालेंगे, 2 से 2 2 1 2 और 75×2 150 यानी कि x इक्वल टू 75। यही क्या हमारा आंसर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके।